बारे में। पुराना लखीसराय अब स्टेशन नहीं रहा, अब नया बन गया, वो टूट गए हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। देखिए मनोरंजन सर के साथ हैं और हम सर के साथ जा रहे हैं और यात्रा करेंगे लखीसराय की। तो चलिए इस ब्लॉग में कुछ अनोखा दिखाएंगे लखीसराय के बारे में। हाँ, लखीसराय तक जाते जाते अगर आपको कुछ अच्छी चीजें दिखेगी तो वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए, ये देखिए हमारी ब्रिजा चल चुकी है और आइए सफर का मजा लेते हैं। आप देख सकते हैं यार, हमारे गांव के में एक सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? ये आप देख सकते हैं, दोनों तरफ हरे भरे पौधे लगे हुए हैं और ये इतना अच्छा मतलब देखने में लगता है। उसके बाद धूप के समय में आप किसी भी पेड़ के नीचे रुक सकते हैं और ये देखिए हरियाली का एक अलग ही नजारा। आप बहुत रोड घूमे होंगे लेकिन जो हमारे रोड की खासियत है ये आप देख सकते हैं, क्या ओवरव्यू है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, ये देखिए दोस्तों, किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लग रहा है ना। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसके लिए लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों सफर तो लंबा है, हम बोर ना हो जाए इसलिए अभी देखिए हमारे मनोरंजन सर गाना लगाएंगे। और हमारे बिहार में भोजपुरी बजता है, जो जो भोजपुरी सुनते हैं जरूर लाइक कीजिएगा। और भोजपुरी बजता है तो हम गांव का हैं तो थोड़ा इधर के भोजपुरी बजेगा और गाना सुनते हुए जाएंगे। दोस्तों अभी हम गुणसागर के पास आगे रुके, पता है क्यों? आपको दिखाऊंगा कितनी सब्जी यहाँ पे है। तो यहाँ से अभी हम कुछ सारी सब्जी लेंगे और उसके बाद आगे की यात्रा देखेंगे। तो ये देखिए बैगन की पूरी पौधी पूरी देख सकते हैं। डेली इतना तोड़ा हो कि एक एक दिन में? मैं डेली डेली इतना मतलब हरा सब्जी खिला रहे हैं पूरा देश को। हाँ। खूब पढ़ो खूब बढ़ो। कितने एकड़ में लगाए आप बैगन पूरा? डेढ़ बीघा लगाए। और डेली अगर डेली देखा जाए तो देखिए दोस्तों इतना बैगन वही निकालते हैं, ये पूरा मार्केट में जाता है। तो ताजा सब्जी खाना है तो देखिए मेरे गांव के बगल में कुछ दूर पे आपको ताजा सब्जी मिलेगा। ये प्योर देखिए ये बैगन बिल्कुल लाल लाल, भरता बनाइए चोखा बनाइए कुछ भी बनाइए। और देखिए भैया कितना मेहनत करते हैं और साथ में देखिए आप दीदी भी है, मतलब एक तरह से पूरा चीज एकदम है, प्योरिटी है। ये देखिए सब्जी लगाया है 2 बीघा। दोस्तों ये है लखीसराय, अभी हम लखीसराय पहुंच चुके हैं। ये जो जम्मू चौक बोलते हैं, फाइनली हम लखीसराय आ गए हैं। दोस्तों ये जो ओवर ब्रिज देख रहे हैं ये काफी फेमस है, ये लखीसराय और क्यूल को जो जोड़ती है। देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, ये ओवर ब्रिज है आप देख सकते हैं। तो फाइनली मैं इसको भी दिखाऊंगा और वो चीज़ें बताऊँ। और इधर लखीसराय लेफ्ट में लखीसराय स्टेशन है और राइट में क्यूल स्टेशन है। इस नदी नीचे से क्यूल नदी गई है तो वो भी चीज़ें। इधर देखिए हाट लगती है, सब्जियों वगैरह की हाट लगती है। और ये भी एक तरह से जम्मू चौक जाने के लिए यहाँ पे ई रिक्शा वगैरह जो है गाड़ियाँ ये भी यहाँ पे मिलती है। ये पटना में कोई टीचर पढ़ाते हैं, उनके बोर्ड लगे हुए हैं। और ये शहीद द्वार है, हमारे कुछ फौजी देश के लिए शहीद हुए थे उन्हीं की स्मारक में ये बनाया गया शहीद द्वार। दोस्तों अभी जो हम खड़ा है लखीसराय और क्यूल की जो ओवर ब्रिज है यही जोड़ती है, आपको ये देखिए दिखा सकता हूँ। और जो पीछे पुराना वाला है वो ऑलरेडी टूट चुका है और ऑलरेडी उधर की जो है वो अडानी को जा चुकी है, मतलब उन्होंने उसका शेयर लिया। आई थिंक आगे उसमें कुछ अच्छा करेंगे। तो ये मैंने आपको दिखाया और प्लस आगे दिखाता हूँ क्या है। इधर मैं क्यूल रिवर भी आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ये हमारे गांव से भी होके निकलती है और आई थिंक इसको भी दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली ये है देखिए आपकी क्यूल रिवर, नीचे से लोग आ जा रहे हैं उधर, क्यूल जंक्शन है। पुल से भी आवाजाही होती है, नीचे से टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी है उनकी आवाजाही होती है। और ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, रोड के बीच में ये जो बनाई गई पुलिया, इससे ज़्यादा पानी की स्राव होता है। अच्छा पानी ज़्यादा होने लगता है तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये काम नहीं करता। वो क्या ये काम ज़्यादा करता है? करता है भाई ये लोग, जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये रोड चलता है? नहीं ये रोड काम नहीं करता है। नहीं। अच्छा आप लोग लोकल हो यहाँ के? हाँ। अच्छा मतलब कैसा है ये इलाका, बढ़िया है ठीक ठाक है? पहले बोलते थे कि इस पर चोरियाँ होती थी रात में, क्या अभी भी होती है या बंद हो गई है? अभी भी होती है, अभी मतलब कम होती है। और सिक्योरिटी में पुलिस वगैरह कुछ रहती है? अच्छा 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 मतलब देखा जाए ठीक ठाक है। अच्छा ओके थैंक यू।
हेलो दोस्तों नमस्कार। अभी आप जैसे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, मैं अभी हूँ लखीसराय जंक्शन पे। ये हमारा काफ़ी पुराना जंक्शन है, बहुत लोग जानते होंगे लखीसराय के बारे में। पुराना लखीसराय अब स्टेशन नहीं रहा, अब नया बन गया, वो टूट गए हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए। तो ये देखिए लखीसराय का मेन गेट है, इसके अंदर आपको इंक्वायरी रूम से वगैरह सब कुछ है, अभी वो आपको मैं दिखाता हूँ। और पंडित जी प्रणाम, कैसे हैं? ये बुक स्टॉल था, अभी बंद हो गया है। और यहाँ पे आप जो कि स्लीपर से लेके एसी तक टिकट जो है कंप्यूटराइज टिकट काउंटर, ये पहले का पहले जैसा ही है, ये टिकट काउंटर है। ये इंक्वायरी रूम सेम का है। अभी आप देख सकते हैं ये नया रेलवे स्टेशन का काम चालू है, और ये देखिए ऊपर में शेल्टर के लिए भी काम चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये नया वाला क्यूल ब्रिज है रिवर पे जो बना है। और यहाँ मैं स्थानीय लोगों से बात करता हूँ, उनके राय जानता हूँ। वाला स्टेशन कब बंद हुआ भैया? ये लॉकडाउन के पहले बंद हो गया। अच्छा, वो किसको, अडानी को गया, किसको गया ये वाला? कौन सा? ये जो पुराना वाला बंद किया है। अच्छा, मतलब अभी जो है पुरानी पर बिल्कुल गाड़ियां नहीं चलती। तो ये देखिए, ये है यहाँ पे, ये बताएं कि लॉकडाउन के पहले ही पुराना वाला बंद हो गया है। और जहाँ तक मेरे नॉलेज की बात है, बोला गया अडानी को गया, बट देखते हैं। और ये है देखिए नया प्लेटफॉर्म का दृश्य, ये देख सकते हैं हमारे भाई दुकान का बैनर लगा रहे हैं, बहुत देसी दुकान। जैसे कि आपको पता है कि स्टेशन पुराना वाला होके नया बना, तो बहुत सारी नई दुकानें नहीं थी, तो वो नए दुकान भी बन रहे हैं। ये क्या चीज का दुकान खुल रहा है भाई? ये स्टॉल है, बिस्कुट वगैरह का, और बहुत सा आइटम रखेगा, लेडीज आइटम है, बच्चे का खिलौना वगैरह। अच्छा, उसको बोलते हैं बाबू देसिया दुकान। अच्छा, बहुत देसी दुकान, मतलब देखिए आज बहुत देसी, मैंने बहुत सुना, लेकिन भाई ने आज बहुत देसी के बारे में भी बता दिया। तो फाइनली ये जो नया स्टेशन बना उसी के रिगार्डिंग में है ना ये सारा जो बन रहा है? जी। अच्छा, तो फाइनली दोस्तों मैंने आपको लखीसराय का ब्लॉग दिखा दिया। कैसा लगा आपको नया वाला लखीसराय स्टेशन, ज़रूर बताइएगा। और जो जो इस स्टेशन से चढ़ के जाते हैं, चाहे कहीं भी जाते हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। अभी ये देखिए दानापुर, टाटा दानापुर वो जा रही है और हम भी चल रहे हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, जय हिंद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप ही के प्यार से हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।